बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से पतंजलि संस्थान पर मेहरबान। जैविक खेती के लिए सरकार ने चुना पतंजलि संस्थान को। उत्तराखंड में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को न्यू कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके निदान में पतंजलि की भूमिका एवं सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक में जैविक कृषि को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि जैविक कृषि के क्षेत्र में हमने काफ़ी अग्रणीय कार्य किया, किंतु उत्तराखंड में अभी और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि पतंजलि जैविक प्रमाणीकरण के लिए मान्यता प्राप्त है तथा पहली ऐसी संस्था है जिसने जैविक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। ज्यादा उत्पादन के लालच में किसान परंपरागत कृषि को छोड़कर रसायनों की ओर चला गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी प्रदेश में पतंजलि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। मंत्री जोशी ने कहा है कि पतंजलि का स्थान सौभाग्य से हमारे प्रदेश में तो है, किस तरीके से हम पतंजलि के साथ मिलकर प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में क्या बेहतर कर सकते हैं, बैठक में इस पर चर्चा की गई। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।